रहे हैं, हर जगह हम नहीं जाएंगे, वो काम करेगा आपका। तो वहां बोलने वाला बंदा भी चाहिए ना। अब आप बोलोगे नहीं, सिर्फ कागज दिखाओगे। अभी बताइए कि आपका लेटर मैंने अगर इंग्लिश में टाइप करवा, अगला अधिकारी को इंग्लिश नहीं आ रही, आप बोल रहे बीएससी, उनसे ये भी बोलने में दिक्कत जा रही, बॉयस अगेंस्ट क्राइम एंड करप्शन नहीं बोल पा रही है वो ढंग से अभी, ठीक है ना, तो अगले अधिकारी से कैसे बात करेंगे। और किसी भी टीम के मेंबर को हम अकेले भेज देंगे थाना, जाना है आपको बात करना अधिकारी से, बकार लेटर दिखाइए, आई कार्ड दिखाइए, जो समस्या है वो बताइए, किसी भी केस को लेके। आज आपके साथ जो बवाल बना उमरेट टीम के साथ हुआ, क्यों हुआ? आपके पास अथॉरिटी लेटर टीम का आया नहीं, लेटर मेरा आया था। अब वो केस बना, केस बनने के बाद अगले ने क्या बोला कि उठाइए और जाइए यहाँ से, आप यही बोला ना। उसके बाद अगले ने फोन करके क्यों बुलाया? तो कुछ तो पावर होगा टीम के पास है? तब तो उन्होंने फोन करके बुलाया, उसका ट्रांसफर करा दी टीम ने है? चाहते तो अपन सस्पेंड करवा देते, लेकिन अपन जन सहयोग के लिए लगे हुए, किसी की बद्दुआ नहीं लेना है अपने, अधिकारी नहीं सुन रहा उसके ऊपर कार्रवाई होगी बराबर, लेकिन इतनी भी कार्रवाई ना कराए कि किसी की बद्दुआ लगे अपने। सर मेरा क्वेश्चन है, बोलिए। जैसा केस जन सहयोग अपन कर ही रहे हाँ, है ना, जैसा जैसा कोई बहुत ज्यादा प्रताड़ित और वो इंसान सक्षम नहीं है पैसे देने का, बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता दीजिए जो सक्षम नहीं है, बिल्कुल 5 पैसे खर्च नहीं कर सकता। तो हमारी टीम इतनी सक्षम है कि अगर 500 रुपए पेपर खर्च में लग रही है, 5,000 लग रही है, 2,000 लग रहे हैं, तो वो केस लीजिए और उसका केस कीजिए। आप जन सहयोग का नाम ही है आपका, आप उसका केस लो, आगे के आगे कार्रवाई कराओ, लेकिन उससे एक एग्रीमेंट जरूर करवाओ कि वो केस से पीछे नहीं हटेगा। तो परेशान है वो, हाँ। टीम को सहयोग करके उसका आपकी टीम सहयोग कर पा रही है तो ठीक है, नहीं तो छिंदवाड़ा टीम को इन्वॉल्व कीजिए उसमें, जो हमसे व्यवस्था बन पड़ेगी उसके लिए सहयोग करेंगे, यथासंभव जो मदद बनेगी करेंगे। हमारी टीम गरीब परिवारों के लिए बहुत आगे जल्दी आती है। अभी दिल्ली टीम ने चंडीगढ़ में जाके शादी करवाई अपने खर्चे पे, 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्च आया, लेकिन बीएससी टीम ने पूरा खर्च उठाया। अब ये आपको मालूम है कि आपको मैंने पहले बोला था कि दिल्ली भेजने के लिए पेमेंट चाहिए, तो उमरेट टीम से सिर्फ आपके पास से आया पैसा, बाकी पैसा नहीं आया। छिंदवाड़ा टीम से 3,000 रुपए गया शादी के लिए। तो क्या होता है कि अगर 500 की मांग की जा रही कि 500 रुपए जमा करना, हम भैया सक्षम नहीं है ना 500 देने में, हम 100 देंगे, दे सकते ना 100, ये नहीं कि हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते। और ये जो परेशानियां हैं, परेशानियां जीवन से लगी हुई है, काम भी लगे हुए हैं, समय देना, आज महिलाएं जो आपके साथ जुड़ी हुई है वो आगे के आगे आके काम कर रही, देख रहे हैं हम छिंदवाड़ा टीम से, मैडम जहाँ कहो वहाँ पहुंच जा रही है मैडम है? ऐसी कौन सी जगह यहाँ मैडम नहीं गई, 12-12 बजे 1-1 बजे रात को लौटी है, जंगल वाले फील्ड गए हैं, आपके उमरेट से सिंदरई विंदरई लामनिया कोठार वो सदम कोटका दही तक मैडम गई है, नदी नक्के गई है मैडम, तो आप लोग तो यंग मैन है। जब आपके क्षेत्र से जिस चीज का हमको नॉलेज नहीं है गांव का, वहां से हम केस निकाल के ला सकते हैं, तो आप तो वहीं के प्रॉपर्टी हो, आपको तो हमसे अच्छा नॉलेज है। आज छिंदवाड़ा जिले में हम रह रहे हैं, हम पतालकोट के केस लेके आ रहे हैं, हमको मालूम कि वहां कौन है, क्या है, कैसा है, लेकिन जब तक टीम जाएगी नहीं, वर्क नहीं करेगी, आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ ये केस है। हाँ, सुविधा आपको देना है, आपके टीम में जो मैडम लोग हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो आने जाने में। अब अभी तक जो आप लोगों ने हल्के में ले रहे टीम को, ये मेरे को देखने में आया कि सभी लोग हल्के में ले रहे टीम, वो
वो क्या है, कहावत है कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर अपने हाथ में 5 उंगली है, अगर ये मुट्ठी बनेगी तो मजबूत रहेगी ना। वो ताकत, वो ताकत तो हम चाहते कि वो ताकत बने। एक बात बताएं हम आपको, हमारे पास टीम नहीं थी, ये मैडम भी नहीं थी हमारे पास। हम अकेले काम कर रहे थे छिंदवाड़ा जिले में इस संस्था के लिए, और केस भी जितने आए हैं अभी ये फाइलें रखी है, 15 से 20 फाइलें रखी जो हमारी खुद की लाई हुई है केस। हम अकेले दब पे काम करते थे, हमने आज तक कहीं डरे नहीं, किसी भी अधिकारी के सामने नहीं डरे। हाँ आप गलत हो तो गलत हो, सामने वाला प्रताड़ित है उसकी हेल्प हम कर रहे हैं, अब आपसे जो बनता है हमारे लिए करिए और नहीं बनता तो लिख के दीजिए हमको। क्या है, टोटल संस्था का काम राइटिंग में है, राइटिंग वर्क करें, मौखिक ना करें। मौखिक में आप झूठे पाए जाएंगे। राइटिंग वर्क रहेगा तो सर हम लोग के पास सबूत तो रहेगा ना। बिल्कुल, अभी चूंकि ये संस्था तो है प्लस साथ में अपना न्यूज चैनल भी है, KCN TV न्यूज चैनल, जिसका PRO बहुत जल्दी आ जाएगा, उसमें टीम के कुछ सिलेक्टेड बंदे उसमें ज्वाइनिंग की जाएगी ताकि आपकी टीम को सपोर्ट मिले। किसी भी पंचायत में आप अगर कार्य करने जा रहे हैं और पंचायत में सरपंच सचिव अगर वहाँ गवर्न किया है, किसी को प्रताड़ित किया है, आवासहीन वाले को आवास का लोन नहीं दिला रहा है, पट्टा नहीं दिला रहा है, सुलभ शौचालय का जो कार्य चल रहा है वो उपलब्ध नहीं करा रहा है, रोड नाली से परेशानी है, किसी के खेत में जबरदस्ती रोड बनाई जा रही है, तो ये काम पंचायत की, उसमें तो आपके पास एक पकड़ होगी मजबूत न्यूज चैनल की, तो उससे आप ब्यौरा मांग सकते हैं, संस्था के माध्यम से भी मांग सकते हैं लेटर देके, और दूसरा न्यूज चैनल के माध्यम से भी। सर न्यूज चैनल इसी संस्था का हुआ? इसी संस्था का न्यूज चैनल। सर जो न्यूज चैनल KCN अपना है, हाँ, मेंबर का उसका कार्ड रहेगा? ये कार्ड बनवाए जाएंगे अलग से, ये KCN अलग है, इसमें सिलेक्टेड बंदे लिए जाएंगे। आपने 12 की टीम बनाए, 12 में 5 बंदे ऐसे चुने जाएंगे जिनका कार्ड जारी किया जाएगा, तो वो 5 का कार्ड 12 के काम आएगा। सर पूरी टीम के साथ चलना पड़ेगा उसमें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप अकेले जाके और लेखा जोखा मांग सकते हैं, इतना पावर आपके पास रहेगा पंचायत में और सचिव सरपंच को देना पड़ेगा। सर मैं जैसे बोल रहा था, जैसे केस अपन लेंगे सामने वाले से, हाँ, तो लेटर हेड पे मतलब लेंगे उनसे साइन और अपन लिख सकते हैं? लिखना अपने को ही है ना। हाँ, लिखना अपने को यार, उनके साइन अंगूठे जो भी है ले लीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है, दो कॉपी भी तो करके रख सकते हैं। हाँ डबल कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात बताए, हाँ डबल कॉपी तो प्रावधान नहीं है, सिंगल में लीजिए आप, क्योंकि आप उनकी गारंटी वारंटी ले रहे हैं।